साथियों, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हमारे गांव में आजकल बदलाव देखने को निश्चित तौर पर मिल रहा है। आज हम आपको लखनऊ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बक्सी के तालाब गांव में लेके आए हैं। यहां पे एक गांव है जिसका नाम है रामपुर देवरई। इस गांव में एक सखी सिलाई केंद्र चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी ग्रामीण महिलाएँ और किशोरियाँ सिलाई सीखने आती हैं, जो अपने घर का पूरा कामकाज निपटा के सिलाई सीखती हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी जुबानी कि उनका क्या अनुभव है सिलाई केंद्र पर सिलाई सीखने के दौरान और वो आगे क्या करना चाहते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ये सिलाई केंद्र एक संस्था है जो फ्री में इन्हें मुफ्त में शिक्षा देती है, मुफ्त में सिलाई सिखाने का काम करती है। तो आइए हम जानते हैं उनका अनुभव कि कैसे वो घर के कामकाज निपटा के यहाँ पे सिलाई करने के लिए आती है। तो कब से सिलाई सीखने आ रही है? 3 महीने से आ रही है। तो सिलाई सीखने से जब यहाँ पे आ रही है तो क्या सोचा था आपने, क्यों आपको ज़रूरत लगी कि आपको सिलाई सीखनी है? हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ काम करना, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपना खर्चा खुद चला सके, किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। तो आपको इतना टाइम मिल जाता है यहाँ सिलाई सीखने का? टाइम निकालते हैं। तो कितने टाइम किसी को नहीं मिलता, लेकिन कुछ करना होता है तो टाइम निकालना पड़ता है। तो बताइए थोड़ा सिलाई केंद्र के बारे में कि यहाँ फीस पड़ती है नहीं पड़ती? नहीं, है फीस नहीं पड़ती है। हमारी मैडम बहुत अच्छी है और रिया सर जो चलाया है वो भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए भला सोचा है। मेरा नाम रीता है। हम 6 किलोमीटर दूर से सिलाई करने आते हैं और हम यहाँ बहुत अच्छे से सीखे हैं। मेरी दीदी जो है बहुत अच्छे से सिखाती है और हमें ये खुशी है कि हम यहाँ फ्री में सब सीख लिए हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद हम सिलाई करेंगे। हमारे घर में जो थोड़ी दिक्कत थी, भाई लोग मतलब कमाते हैं तो देते नहीं थे, तो हमने सोचा यही कर लें तो ठीक है, इसमें मेरा भी खर्चा चल जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी, मम्मी का भी ध्यान रख लेंगे। मेरा नाम ममता सिंह है। मैं यहाँ टीचिंग का काम करती हूँ, BKT से आती हूँ। पहला जो बैच था 30 बच्चों को था, वो मैंने यहाँ पे 3.5 महीने पे एंड कर दिया। अब दूसरा बैच ये चल रहा है, ये भी फाइनल होने वाला है, इसका भी मंडे को टेस्ट है, ये भी फाइनल हो जाएगा। बच्चों ने बहुत कुछ मुझसे सीखा, अब ये बच्चे ही बता सकते कि क्या इन लोगों ने सीखा क्या। आप कैसे चुनाव करते हैं लोगों का, किसे सीखना है किसे नहीं सीखना है? उस चुनाव करने की बात तो ये है कि उन लोगों की उत्सुकता देख के हम देखते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्या सीखेंगे बच्चे, उसी हिसाब से करते हैं। उसके बाद इन लोगों का टेस्ट करवाते हैं कि क्या सीखा है इतने दिन में।